एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। इसी गीत की तरह इस अभिनेत्री ने अपना सारा जीवन उस व्यक्ति के नाम किया जिसे कभी पा ना सकी। शर्मिली इतनी कि चाह के भी अपने प्रेम का इजहार ना कर पाई, और जब उस व्यक्ति ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली तो इस अभिनेत्री ने बहुत ही शालीनता से सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन उस इंसान से प्रेम करना नहीं छोड़ा। एक लंबे अरसे के बाद जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ये अभिनेत्री उसकी याद में एक विधवा की तरह अपनी जिंदगी गुजारती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू पंचारिया, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड नामा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की महानायिका नंदा की। वो नंदा जिसकी तरह ना तो कभी किसी ने प्रेम किया है, ना कर सकता है और ना ही कभी कर पाएगा। बंधे हम तुम चोरी से, बंधे एक डोरी से। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। उनके पिता कर्नाटकी मराठी फिल्मों के एक सफल अभिनेता और निर्देशक थे। लोग उन्हें मास्टर विनायक के नाम से जानते थे। नंदा की बॉलीवुड में एंट्री की कहानी भी उनकी फिल्मों की तरह ही दिलचस्प है। ओह वंडरफुल, मैं तो दार्जिलिंग का सोच रही थी, पर कश्मीर बेटर रहेगा, क्यों दादी? हुआ यूं कि जब वो 5 साल की थी तब एक दिन नंदा के स्कूल से लौटते ही उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। जैसे तैसे माँ ने समझा बुझाकर उसे शूटिंग पर जाने के लिए राजी किया। इसके बाद उनके बाल छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। ये फिल्म पूरी होने से पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी थी और नंदा के नाजुक कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिसके बाद उन्होंने मजबूरी में फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। औरत को इज्जत देने के बजाय बेबसी और बदनामी के गड्ढे में ढकेल दिया। नंदा की सबसे बड़ी ताकत उनकी चेहरे की सादगी और उनकी मासूमियत थी, जो उन्हें एक सौम्य लुक देती थी। ये बात नंदा खुद भी जानती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सादगी को अपने अभिनय के साथ जोड़ लिया। नंदा के चेहरे के एक्सप्रेशन तो लाजवाब थे ही, साथ ही साथ उनकी एक्टिंग भी बेहतरीन होती गई। ऐसे में जो भी दर्शक नंदा की सौम्यता भरी एक्टिंग को देखता तो उनका मुरीद हो जाता। नतीजा ये हुआ कि महज 10 साल की उम्र में नंदा एक एक्टर के नाम से पहचानी जाने लगी। नंदा के लुक को देखते हुए उन्हें सबसे ज्यादा बहन के रोल ऑफर हुए। ये है कौन? तेरी सास। मेरी सास या तुम्हारी सास की बेटी? अब लड़की के निलाज। भैया। साल 1956 में नंदा के चाचा वी शांताराम ने फिल्म तूफान और दिया के जरिए उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च किया। इस फिल्म का एक गाना बेहद हिट हुआ था, मेरे भैया है दीवाना। इसके बाद साल 1959 में उन्होंने फिल्म छोटी बहन में काम किया। इस फिल्म का भी ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। साल 1959 में ही नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया। दर्शकों को उनका ये रोल इतना पसंद आया कि उन्होंने नंदा को सैकड़ों राखियां भेजी। इस तरह धीरे धीरे नंदा बहन के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस मानी जाने लगी। छोटे भैया, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्होंने फिल्म काला बाजार में फिर से बहन का रोल किया और देवानंद की बहन बनी। इस फिल्म को भी बेहद अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लेकिन अब नंदा बहन के रोल से आगे बढ़ना चाहती थी। भैया माँ का मुंह ढाँप के दिया भैया। मेरी बहन तेरे भैया ने माँ की जान ले ली। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा
छटपटा रही थी। पगले हैं मन के ये घड़ी घड़ी सन के इनके पुर्जे हैं। कहते हैं कि नंदा की मासूमियत नंदा की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दर्शक उनको बहन के रोल से बाहर निकालना ही नहीं चाहते थे, लेकिन नंदा अपने दम पे कुछ हटके करना चाहती थी। नो डाउट कि वो एक बेमिसाल अभिनेत्री थी, लेकिन उनकी किस्मत उतनी ही बेशरम निकली। कई सुपर डुपर फिल्में देने के बाद भी नंदा की प्रतिभा का सही इस्तेमाल ना हो सका। कुछ हटकर काम करने की सोच के साथ नंदा ने फिल्म इत्तेफाक में नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शकों को उनका ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं चाहती तो तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती थी। इसके बाद नंदा ने एक बार फिर फिल्म नया नशा में ड्रग एडिक्ट का रोल किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इतना सब होने के बावजूद नंदा ने हार नहीं मानी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म हम दोनों थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट शशि कपूर थे। ये फिल्म सफल रही। मेरा नाम है चांदनी से, तेरा नाम चकोर के लुप छुप चोर चोर। ऐसे ही उनकी एक और हिट फिल्म थी धूल का फूल, जो उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ की थी। फिल्म जब जब फूल खिले में उन पर फिल्माया गया गाना ये समा आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा नंदा ने फिल्म चार दीवारी, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। नंदा ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की थी। बड़े अजीब आदमी हो, 500 रुपए ही लेने थे तो पहले क्यों इनकार किया? वो मीम साहब पैसे का बात नहीं था, उसूल का बात था। के साथ साथ उन्होंने मराठी और गुजराती सिनेमा में भी काम कमाया। शौक से देख लीजिए, लिख दीजिए ढेर सारी नई दवाएं इंजेक्शन, वो फौरन नुमा दी जाएंगी। नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की थी, लेकिन अब नंदा का समय खत्म हो चुका था। उनकी कुछ हटकर काम करने की हसरत पूरी न हो सकी। परिवार की जिम्मेदारियों में जकड़ी नंदा कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो वो कभी करना चाहती थी। जिस तरह नंदा फिल्मों में अपनी बहन की छवि से बाहर ना निकल पाई, उसी तरह वो अपनी असल जिंदगी में भी उस छवि से ना निकल सकी। बेहद शर्मिली नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन ना तो खुद कभी अपने प्रेम का इजहार किया और ना ही कभी मनमोहन देसाई को मौका दिया। एक समय बाद जब मनमोहन देसाई ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली तो नंदा अपनी जिंदगी में अकेली पड़ गई। एक तरफ मनमोहन देसाई अपनी शादीशुदा जिंदगी में मशगूल हो गए तो दूसरी तरफ नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में चली गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तक नंदा की जिंदगी का एक ट्विस्ट बाकी है। हुआ यूं कि जिस मनमोहन देसाई को नंदा दिलो जान से चाहती थी, कुछ सालों बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद मनमोहन ने आगे होकर नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। इस बार नंदा ने बिना देर किए ये पैगाम कबूल कर लिया। आज वो दिन है जिसके लिए मैं तड़पी बन के। उस वक्त उनकी उम्र 52 साल हो चुकी थी। साल 1992 में नंदा ने देसाई से सगाई कर ली। बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। इस तरह नंदा एक बार फिर से अकेली पड़ गई। जिसे ताउम्र टूट कर प्यार किया, उसके दुनिया से चले जाने से नंदा पूरी तरह टूट चुकी थी। रुपहले पर्दे पर दमकने वाली नंदा ने तमाम उम्र अकेली रहने का मानस बना लिया। कहा जाता है कि अपने मंगेतर की मौत के बाद नंदा एक विधवा की तरह रहने लगी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। नंदा
एक विधवा की तरह रहने लगी। सच्चा प्यार जन्म जन्म का होता है, इसलिए ये प्यार आत्मा और आत्मा ही के बीच में हो सकता है। उन्होंने सबसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खोती गई। हमें जहां से छुड़ा लो, बहुत उदास में। इस तरह विरह की आग में जलते हुए 75 साल की उम्र में नंदा ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंदा का दुर्भाग्य तो देखिए कि जिस बॉलीवुड में उन्होंने 35 साल गुजारे, उस बॉलीवुड में से कोई भी एक इंसान उनकी मौत पर श्रद्धांजलि देने तक नहीं आया।